बाकायदा यूट्यूब चैनल आप सब लोग देख रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल भी डैलस में प्रैक्टिस करनी थी, परसों भी करनी थी, लेकिन दोनों प्रैक्टिस सेशंस भी पाकिस्तान के बारिश की वजह से नहीं हो पाए। उसके साथ साथ पाकिस्तान डायरेक्ट न्यूयॉर्क में आएगा, 3 दिन पहले अपना मैच खेलेगा। एक दिन पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस मिलेगी। ऑन द अदर हैंड इंडिया 9 दिन प्रैक्टिस लेगा, साथ 2 मैचेस भी खेले होंगे इंडिया ने, फिर वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में आएंगे। तो ये कुछ अनड्यू फेवर्स इंडिया को मिल रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी नाराज नज़र आ रहा है। आप लोगों ने रिएक्शंस भी देखे हैं, और स्पेशली द फैसिलिटीज़ एंड द पिचेस इन द वर्ल्ड कप, वो भी लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उनको फेवर करेगा इंडिया स्पिनर्स लाया। तो इस पॉइंट को तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि भाई आप भी क्वालिटी स्पिनर्स ले आते, आप भी प्रोड्यूस कर लेते, तो वो तो एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना, उसमें कोई अमल दखल नहीं हो सकता। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते तो आप भी कर लेते, सीधी सी बात है। खैर, ऑन द अदर हैंड वो बात बिल्कुल यहाँ पर सही नज़र आ रही है कि पिचेस फारिग हैं, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। इंडिया का गुआना में सेमीफाइनल रखवाया गया, वो भी एक बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया को गुआना के अंदर ही कंफर्म कर दिया गया कि आप यहाँ पर सेमीफाइनल खेलोगे। तो ये एक पहले से एडेड एडवांटेज होता है कि भाई आपको ग्राउंड पता है, कंडीशंस पता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। बट ये भी एक एक्सटेंड तक एडवांटेज होता है, उससे ऊपर नहीं जाता, तो इस पर भी रोने धोने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ बनती है वो ये कि पाकिस्तान को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है और इंडिया न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करी जा रही है। ये एक पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं यू नो मैटर कर सकता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर।